अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार हो रहा है कल रात से, हिम्मत नहीं हो रही थी तो ये बन रहे हैं, राइस बॉईल हो रहे हैं और ये वेजिटेबल्स कट करके वॉश करके रखी हुई हैं। और ये मैंने ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जिसे मैं अभी नहीं बताऊँगी। तो ये बन रहे हैं वेजिटेबल राइस, फ्राइड राइस भी कह सकते हैं, वेजिटेबल राइस भी कह सकते हैं, चिकन फ्राइड राइस भी कह सकते हैं। आज इससे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, तो चलिए व्लॉग बहुत देर से स्टार्ट किया है तो मैं दिखाती हूँ आपको। राइस बॉईल हो चुके हैं जिन्हें मैंने सेपरेट कर लिया है, और ये पहले इसमें थोड़ी सी अनियन फ्राई की है और अब पहले सब्जियाँ जो कट की होती हैं वो डाल के उनको फ्राई करूँगी। थोड़ा थोड़ा दिखा पाऊँगी क्योंकि साथ में शूट मुझसे हो नहीं रहा है, मुझसे कुकिंग वगैरह की जा रही है, लेकिन मैंने कहा चले आप लोगों को दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट डन हो चुकी है हमारी चिकन, जिसमें मैंने कॉर्नफ्लोर और सॉसेस, सोया सॉस था और क्या था, सिरका था, वो लगा के और चीनी लगा के, नमक लगा के मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा के इसको फ्राई किया। यहाँ अंडे बॉयल हो रहे क्योंकि हमारी फैमिली छोटी, तो इसमें 2 eggs काफ़ी हैं। यहाँ पर हो रहा है, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये मैंने दम पे रखी हुई है, एक सेकेंड, सब्जियाँ, तो इन सब का मिक्सचर बनेगा, जब बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। जी गाइस, तो अंडे भी बॉयल हो चुके हैं, चावल रेडी हैं, मेरी चिकन भी रेडी है और मेरी वेजिटेबल्स भी गल चुके हैं, जो कि मैंने सिर्फ इसमें सॉसेस डाले थे और सिर्फ सॉसेस में बनी है ये, और हल्के से ऑयल में फ्राई की गई हैं, गल चुकी हैं। अब मैं आपको मिक्सचर वाली वीडियो दिखाती हूँ कि अब इसमें तय कैसे लगेगी। जी गाइस, तो अभी मैं इसमें से थोड़ी सी सब्ज़ियाँ निकाल लूँगी, ठीक है, ऊपर कर लो मैं कैमरा, बिल्कुल ऊपर कर लो। तो ये हमारे वेजिटेबल अभी हमने निकाले, उनको थोड़ी सी डालनी है, जो मैंने राइस बॉईल किए हुए थे वो डालेंगे, ठीक है। चावल कम है क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है, वजह से राइस मैंने बहुत कम बनाए हैं। मानो क्या कर रही हो, ये है मेरी चिकन, ठीक है जी, इसको हम ऐसे करके फैला देंगे कॉर्नर कॉर्नर, और अब हम इस पे सारे डाल देंगे थोड़ा सा दूर, ठीक है जी, ये डाल दिया। अब जो ये चिकन रह गया है थोड़ा सा, बस ऊपर से ये डालेंगे, छोड़ो, और ठीक है, ये डालने के बाद हम ऊपर से अंडे डालेंगे। अब हम इसको रखेंगे दम पे, हल्का सा ऑयल रखने के बाद फिर ये जाने लगे हैं दम पे, जब दम से मैं इसको हटाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। जी गाइस, इसको हम ज़्यादा देर दम पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमने चावल पहले से भी बॉईल किए हुए हैं, तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन है। खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, फाइनली रेडी हैं, जिस जिसको खाना है आ जाइए सब्सक्राइबर्स। जी गाइस, तो फाइनली हमारे राइस रेडी हो चुके हैं और बहुत ही यमी लग रहे हैं। इसके साथ है रेड चटनी जो कि मुझे बहुत पसंद है। क्या कह रहे हैं आप, तो अब हम टेस्ट करते हैं फिर बताऊंगी आपको, लेकिन मुझे बहुत मज़े के लग रहे हैं। जिस जिसको खाना है हमें ज्वाइन कर सकते हैं।